नमस्कार, जय राम जी की। हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड पर। पंडित नेहरू की क्षतिग्रस्त मूर्ति देख के भड़के कांग्रेसी। बात करें झांसी की, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेता उनकी क्षतिग्रस्त मूर्ति अब तक ना बदले जाने से भड़क उठे। कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बड़ा देख के मौके पर नवाबाद पुलिस पहुंच गई। नगर निगम अफसरन का भी मौके पर आने पड़ा। अफसरन के एक माह के भीतर मूर्ति बदलावे को भरोसा देने पर नाराज कार्यकर्ता कोनो तरीका से शांत भए और क्षतिग्रस्त मूर्ति का कपड़ा से ढक दोगे हुए। 26 थानन में खोली गई महिला हेल्प डेस्क को भी नहीं मिला था न्याय। जी हाँ, बात करें झांसी की, महिलाओं के भीतर सुरक्षा को भरोसा जगाबे का लंबे चौड़े बादन के संगे मिशन शक्ति की शुरुआत भई और इसके जरिए हर थाना में अलग महिला डेस्क शुरू करी गई, जिससे महिलाओं से जुड़े मामला जल्दी निपट जाए और उनका न्याय भी मिल सके। लेकिन जिस सभी दावे 6 महीना बाद भी हकीकत में नहीं उतर सके, थानन में बनी हेल्प डेस्क अब कागजन में सिमट के रह गई है। अगर जो हेल्प डेस्क वास्तव में काम करती तो आज गुड़सराय में सोदे की वजह से जान गंवाने वाली किशोरी जीवित होती। कोरोना जंग में वैक्सीन की भूमिका अहम। जी हां, बात करें जालौन की, कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना वैक्सीन अहम भूमिका निभा रही है। सरकार को प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीन लगवाई जाए, पर कछु अफवाहें भी फैली है जी के चलत लोग वैक्सीन लगवावे में घबरा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी वैक्सीन का लेके चिंतित नजर आ रहे हैं। 30 क्विंटल खरीद के फरमान से किसान हलाकान। बात करें कोच की, MSP पे हो रही गेहूं की सरकारी खरीद का लेके सरकार के 30 क्विंटल के नए फरमान से किसान हलाकान। नए सरकारी नियम के मुताबिक अब एक किसान 30 क्विंटल से ज्यादा गेहूं MSP पे नहीं बेच सके। रातन रात पोर्टल में भी बदलाव कर दो गो है और जी के चलत कई दिनन से क्रय केंद्रन पे डेरा डाले किसान ही बात का लेके गुस्सा में है। कारण है कि 30 क्विंटल बेचने के बाद बकाया गेहूं भी कहां लेके जाए। अस्पताल में गंदगी और दीवार टूटी देख के लगाई फटकार। बात करो चित्रकूट की, DM सुब्रांत कुमार शुक्ल ने गुरुवार का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी को निरीक्षण करो है। सीएससी परिसर में गंदगी देख के जल्द से सफाई कराबे के लाने कही और इसके अलावा कुछ स्थानों पर दीवार टूटी देख के DM नाराज भय और कही है कि घोर लापरवाही है। मंडल के 297 गांव में नई सरकार ने शुरू करी पारी। बांदा की बात करें, चित्रकूट धाम मंडल के चारों जिला बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट की कुल 1407 ग्राम पंचायत में 297 ग्राम पंचायतों में पहली बैठक के संग बृहस्पतिवार को नई सरकार को कार्यकाल शुरू होगा है। शासनादेश के मुताबिक 6 उप समितियां भी गठित करी गई है और शेष 310 ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या कम होने से कोरम के अभाव में शपथ ग्रहण नहीं है। कछुई ग्राम पंचायत में विभिन्न वाद विवाद और नोकझोंक की मामूली घटनाओं का छोड़ के शपथ ग्रहण आमतौर पर शांतिपूर्ण रहे। एम्बुलेंस मामले में मुख्तार से 1 घंटा पूछताछ। बात करें बांदा की, बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मुसीबत बढ़त जा रही है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का रोपड़ जेल से जॉन एम्बुलेंस में मोहाली कोर्ट पेश में लाओ जा रहा तो उनकी जांच बाराबंकी पुलिस में तेज कर दी है। बृहस्पतिवार का बाराबंकी पुलिस ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के 161 के तहत बयान दर्ज करे और पुलिस ने करीब 1 घंटा तक एम्बुलेंस से जुड़े प्रकरण पे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से पूछताछ करी है। कृषि प्रविधिक सायकर ने नियुक्ति का लेके विधायक को सौंपा ज्ञापन। बात करें महोबा की, चयनित कृषि प्रविधिक सायकर ने नियुक्ति का लेके सदर विधायक राकेश गोस्वामी का ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताओ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उनको चयन कृषि प्राविधिक सहायक में बहुत। खेत तालाब योजना के तहत संचयित हुई है वर्षा जल, मिल है रोजगार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरकारी महोबा की। बारिश के बूंदन के सहेज में की कवायद तेज हो गई। बारिश में खेत को पानी, खेत में ही बनो रहे ईखा लेके गुरुवार का DM सत्येंद्र कुमार और पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने श्रमदान करके खेत तालाब योजना को शुभारंभ करो है। योजना के तहत जिला में 2700 तालाब बनाए जाए और पुराने तालाबन की साफ सफाई भी करी जाए। ऐसी जो खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड पर भी शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहें। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।